Hello, good morning students. Now this is the third session, this is the third period in the chapter surface chemistry. And what are the objectives for the today's session? We are going to learn about the application of adsorption. That topic was already left in the first session. And then we will learn about the catalyst, its definition, type of catalyst, homogeneous and heterogeneous catalyst, and adsorption theory of heterogeneous catalyst. बच्चों, आज ये हमारा चार ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहले हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, यानी जो ये प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेनन है, उसके हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ एप्लीकेशंस हैं. फ्यू क्वेश्चंस आर अराइज्ड फ्रॉम दैट पार्ट, और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है. उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, दैट इज़ द कैटलिस्ट, विच इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहाँ से आप कैटलिस्ट पढ़ोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होंगे. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, माय डियर स्टूडेंट, जस्ट टेक योर नोटबुक. आप नोटबुक लीजिए, जरूर लिखिए, कमेंट सेशन में जरूर आप लिखें कि आपने वीडियो देखा या आपको ने अपने ये टॉपिक समझ लिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इफ यू आर नॉट कमेंटिंग, देन हाउ डू आई अंडरस्टूड दैट यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट. सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. बच्चों, जैसे वैक्यूम क्रिएट करना हो तो वहाँ से हमको एयर को इवैक्यूएट करना पड़ता है वैक्यूम पंप के थ्रू. नाउ अगर आप चाहते हो हाई वैक्यूम बनाना, तो आप उसमें चारकोल ऐड ले लो. चारकोल लेने से क्या होगा, जो भी रिमेनिंग एयर होगी वो एड्जॉर्ब्ड हो जाएगी. सेकेंड है गैस मास्क. गैस मास्क में क्या होता है, जिसमें हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं एज ए एड्जॉर्बेंट, और वो एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है वो क्या करता है, स्पेशली पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है, और इट इज़ यूज्ड इन द कोल माइंस. आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स. आप जब कोई नया सूटकेस या ब्रीफकेस या बैग खरीदते हो, तो उसमें आपने देखा होगा एक पैकेट के अंदर कुछ जेल लाइक मटेरियल रखा रहता है. इट इज़ ओनली टू एड्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम ह्यूमिडिटी और एटमोस्फेरिक मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने के लिए. रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन. अगर आपने कल भी देखा था कि अगर सॉल्यूशन में कलरिंग मैटर हो, जैसे आपने लिटमस पेपर की बात की थी, और वो ऑलरेडी एड्जॉर्ब हो जाता है, तो कलरिंग मैटर को एड्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एड्जॉर्बेंट का यूज करते हैं. जनरली एनिमल चारकोल जो होता है रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशन. वो क्या करता है, कलरिंग पार्टिकल को एड्जॉर्ब कर लेता है. इन क्यूरिंग डिजीज, बहुत सारे डिजीज में बच्चों जो ड्रग्स होते हैं वो एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन पे काम करते हैं. व्हाट हैपेंस देयर, दे यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एड्जॉर्ब्ड ऑन देम. ड्रग्स जो है उनके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है. जनरली आप देखो जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे पेंसिलिन है, एराथ्रोमाइसिन है, ये सब इस फिनोमिनन पर काम करते हैं. सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस. नाउ यू नो दैट इनर्ट गैसेज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, एंड दीज डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन. उनका जो एड्जॉर्प्शन का रेट है वो अलग अलग है, ठीक है ना. किसके थ्रू, चारकोल. मान लो चारकोल आपने लिया, चारकोल पे जो गैसेज एड्जॉर्ब्ड होंगे, कौन से गैसेज माई डियर स्टूडेंट्स, जो आपके इनर्ट गैसेज हैं, तो उनके अलग अलग डिफरेंट रेट है. तो अगर मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज लिया, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाई एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन एट डिफरेंट टेम्परेचर. देन नेक्स्ट वन इज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. आपने पढ़ा है कि मेटलर्जी में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ सल्फाइड और में हम लोग पाइन ऑयल का फ्रोथिंग एजेंट का यूज करते हैं. अगला चैप्टर आप होगा, वहाँ भी ये टॉपिक आएगा, वहाँ पर आपको एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन ही काम करता है. फिर से आपको एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्जॉर्बिंग सम डाइज लाइक योसिन, फ्लोरेसिन. इनको वो क्या करता है, सिल्वर हैलाइड्स इनको एड्जॉर्ब कर लेता है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देता है एंड पॉइंट पे. आपने टाइट्रेशन पढ़ा है, टाइट्रेशन में क्या है, हम एंड पॉइंट की ढूंढ को पाने की कोशिश करते हैं. तो जो एंड पॉइंट आता है वहाँ पे हम कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं. तो कुछ ऐसे हमारे पास इंडिकेटर्स, जैसे सिल्वर हैलाइड है, जब उसका प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसके सरफेस पर अगर उसने किसी पर्टिकुलर डाइज को जैसे योसिन को एड्जॉर्ब कर लिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर आ जाएगा, और इससे हमें पता चलता है कि अब एंड पॉइंट हमें मिल गया. तो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के रूप में भी यूज हो सकता है. क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा ही है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द एड्जॉर्प्शन डिफरेंट रेट्स से आपको जो कलरिंग एजेंट है वो एड्जॉर्ब होता है. एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है.
सो 10th वन इज द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें भी एडजॉर्प्शन जो है रिएक्टेंट का होता है सॉलिड सरफेस पे, और डिफरेंट रेट से होता है फॉर डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स. इसका अपना इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है बच्चों. जैसे आप कुछ एग्जांपल्स ले तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट में जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं वहाँ पर आपको यूज होता है, और कैटलिस्ट यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, हाइड्रोजिनेशन में निकल का यूज होता है. तो हाइड्रोजिनियस कैटालिसिस में भी आपको इस फेनोमेनन का यूज़ है, यानी कि कैटलिस्ट आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन. एंड देन जियोलाइट्स, जियोलाइट्स जो होते हैं बच्चों उसके बारे में हमें पढ़ना भी है, और ये एक्चुअली यूज होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी अभी कैटलिस्ट के बारे में. इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसोलीन फ्रॉम एल्कोहल, और ये क्या होता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है. तो यहाँ भी एडजॉर्प्शन ही काम करता है, क्योंकि तो इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिस पोर्स में आपको पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होते हैं. सो दीज आर द 11 एप्लीकेशंस. आपको इन्हीं 11 एप्लीकेशंस के बारे में सब जगह आपने देखा कि एडजॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमेनन है सरफेस फिनोमेनन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नाउ फ्रॉम हियर एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड. कैटलिस्ट, तो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर द कैटलिस्ट. आप सबको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेन सब्सटेंसेज ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वॉज फर्स्ट मेड बाई बर्जीलियस इन 1835. यानी सबसे पहले 1835 में बच्चों बर्जीलियस ने सिस्टमेटिक स्टडी किया था किसका, कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर से सब्सटेंस जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकता है. और फिर उन्होंने कहा कि द टर्म दिया कैटलिस्ट उस तरह के सब्सटेंस के, सजेस्टेड द टर्म, दिस वुड बी टर्म, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फॉरेन सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है, दैट इज सच फॉरेन सब्सटेंसेज आर कॉल्ड कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज. यानी कि वो रिएक्शन को तो अल्टर करेगा, उसको इन्हांस भी कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और खुद जो है वो केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहेगा आफ्टर द रिएक्शन. तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता. अब जो कैटलिस्ट के रेट को इन्हांस कर सके, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इन्हांस कर सके, भाई कैटलिस्ट और अच्छे से काम करे, तो वैसे सब्सटेंस को हम प्रोमोटर्स बोलते हैं. प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. और जो पॉइजन होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स. कैटलिस्ट क्या है बच्चों, वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और खुद अनचेंज रहेगा केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली. प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. वो कैटलिस्ट के ही एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, फर्दर कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा. पॉइजन, ऑलरेडी इट इज द टर्म पॉइजन, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. नाउ देर आर टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट. दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं. एक होता है होमोजीनियस. एज पर द टर्म होमोजीनियस, यूनिफॉर्म आपको लग ही रहा है, होमोजीनियस कैटलिस्ट, कैटलिसिस. कैटलिसिस मीन्स द रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट आर यूज. तो वेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सभी के सभी सेम फेज में हो तो उस समय हम उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं. अब यहाँ जरा ध्यान से देखना बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड किस फेज में है, गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, प्रोडक्ट में SO3 गैसियस, और आपके कैटलिस्ट NO जो है उसका फेज क्या है, गैसियस स्टेट है. सो ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, देन वेन द रिएक्टेंट इज इन द सेम फेज एज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस. और कुछ एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे आपको यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, वाटर है, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो यह आपको कैटलिस्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एसिडिक मीडियम. दूसरा टर्म है बच्चों हाइड्रोजीनियस. अब आपने समझ लिया होमोजीनियस, जहाँ कैटलिस्ट का जो स्टेट है, फेज है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरह ही हो. यहाँ पर क्या होगा, द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज. रिएक्टेंट हो सकता है सो लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में हो, कैटलिस्ट किसी दूसरे फॉर्म में होगा. अब
एग्जाम्पल जरा देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर आप बनाते हो और प्लैटिनम का यूज करते हो एज एस कैटलिस्ट, यानी प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होने वाला है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड किस फेज में है? गैसेस फेज में है। सल्फर ट्राइऑक्साइड किस फेज में है? गैसेस फेज में, बट प्लैटिनम इज इन सॉलिड स्टेट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कैटलिस्ट दो तरह का होता है, कौन कौन सा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और यानी कह सकते हैं कि जो कैटालिसिस प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकता है, जब डिपेंड करता है फेज ऑफ द कैटलिस्ट पर। एक और एग्जांपल देखो, N2+3H2, अमोनिया का फॉर्मेशन, आयरन एज ए सॉलिड स्टेट यूज हो रहा है जबकि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द गैसेस फेज। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गेज इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस, सब आपको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लैटिनम एज ए सॉलिड यूज हो रहा है जबकि दोनों किस फेज में? गैसेस फेज में, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गैसेस फेज। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हमारा बहुत शॉर्ट वीडियोज होने वाला है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो सकता है कि आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम छोटे छोटे वीडियोज अपलोड करेंगे आपके लिए, बट इट इज़ अपलोडेड रेगुलरली एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड मेकिंग नोट्स एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। इफ माई डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेशन। आप कमेंट सेशन में लिखो, वहाँ पर गूगल क्लासरूम में हम उसको ज़रूर आपसे पर्सनली आई विल कॉन्टेक्ट यू, बिकॉज ऑल दिस टॉपिक्स विच आर टॉट हियर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट द कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस एंड वी हैव टू कम्प्लीट द फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट दोज टू चैप्टर्स इन दिस समर वेकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, यानी जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, जहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट है वो खुद ही डिफरेंट फेज में है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके एडजॉर्प्शन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द रिएक्टेंट्स इन द गैसेस स्टेट और इन सॉल्यूशन आर एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट है जो गैसियस स्टेट में होगा या सॉल्यूशन में होगा वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, और जब वो एड्जॉर्ब होगा तो जितना इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का सरफेस के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन आपको इंक्रीज होगा। द कैटालिटिक एक्टिविटीज लोकलाइज ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके सर्फेस पर ही होगी। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करो इस फिगर से, और यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ भी जाएगा। नाउ लुक एट हियर, ये आप ग्रीन कलर से देख रहे हो क्या है? निकल सरफेस है। उसके ऊपर ये जो दो वाइट वाइट आप देख रहे हो ये क्या है? दीज आर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं और एटॉमिक फॉर्म में अलग हो जा रहे हैं। यानी अब यहाँ से हमारा ये कौन सा मॉलिक्यूल आ गया? इथाइलिन। इथाइलिन मॉलिक्यूल जैसे इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ, उसका ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया। अब आप देखो क्या हो रहा है, इथाइलिन का बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर गया, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में था, यानी कि कैटलिस्ट जो निकल का सरफेस है उसके सरफेस पे सारे फेनोमेनन हो रहे हैं, और फिर फाइनली हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर गया, जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जो दो दो हाइड्रोजन थे यहाँ पर, जो दो हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन कर गए, ये देखो अब ये सिंगल सिंगल हाइड्रोजन बच गया। इसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन थ्योरी है। किसके लिए? हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए। यहाँ पर हमारा इथाइलिन गैसेस फॉर्म में था, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में था, बट दिस कैटलिस्ट वाज इन द सॉलिड फॉर्म। निकल जो था, निकल का सरफेस सॉलिड फॉर्म था। तो इस तरीके से हमारा ये फोर स्टेप्स में जो प्रोसेस है हाइड्रोजीनेशन ऑफ इथाइलिन वो कम्प्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया ना कैसे होता है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, निकल का सरफेस कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन के एटम्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं और एटॉमिक फॉर्म में टूट जाते हैं। इथाइलिन जो है आपको सरफेस के ऊपर आता है और सरफेस के ऊपर आकर उसके जो बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। फिर फर्दर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जाके कंबाइन कर जाता है कार्बन एटम के साथ और वो सिंगल बॉन्ड के रूप में बनता है। फिर फाइनली आपको इथाइलिन से या कह सकते हो आप कि इथीन से इथेन बन जाता है। इज इट क्लियर? फिर आपके यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं फिर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाकर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना? इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नाउ कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैकेंसीज, यहाँ पे बच्चों देखो ये कैटलिस्ट का है सरफेस, अगर हम इसको देखें इसके पास फ्री वैकेंसी होगा,
सपोज करो रिएक्टिंग जो स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, वो इसके पास आता है और वो उसके वैकेंसी पोजीशन से यहाँ अटैच हो गया, ए यहाँ अटैच हुआ, बी यहाँ अटैच हुआ। फिर फाइनली क्या होता है, ए और बी के बीच में रिएक्शन होता है, ये जो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अलग अलग वैकेंसी पोजीशन पर अपने को अटैच कर लिया और फिर आपस में उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। और यहाँ से आप ये जो पहला स्टेप है एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन के बाद अब जो होगा डिजॉर्प्शन होगा, यानी ये जो यहाँ से मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी कैटलिस्ट के साथ अटैच हुए थे ये दोनों आपस में कंबाइंड हो चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं और ये इसके सरफेस को छोड़ देते हैं। सो दिस इज द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड वी डिस्कस टुडे, हमने आज क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन है उसका एप्लीकेशन क्या है। देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट, वी स्टडीड अबाउट द कैटलिस्ट, उसका डेफिनेशन देखा, टाइप ऑफ कैटलिस्ट होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिसिस के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, वो कैसे होता है, निकिल का सरफेस पे इथाइलिन का हाइड्रोजिनेशन कैसे हुआ जिसको हमने देखा, और होमोजीनियस कैटलिसिस का मतलब क्या है, व्हेन द कैटलिस्ट इज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैविंग फेजेस, और हेट्रोजीनियस में क्या है, कैटलिस्ट का फेज अलग होगा। और जो एप्लीकेशन थे आपने देखा 10 और 11 पॉइंट्स वेयर देयर, आपको उसको अच्छे से याद रखना और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, क्योंकि सबसे गड जो ऑप्शन होना है, चाहे वो फ्रोथ फ्लोटेशन हो, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस हो, या वैक्यूम क्रिएट करना हो, या मेडिसिन के फील्ड में काम हो, हर जगह उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है हमारे एडजॉर्प्शन फिनोमेनन का। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ लॉग इन टू माई ब्लॉग, दिस इज माई ब्लॉग एंड यू शुड लॉग इट एंड यू विल गेट ऑल वीडियोज देयर। थैंक्स अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।